गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो वीडियो सीरीज और ये है स्टैट प्रो डे 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टैट प्रो में एक फ्रेम जिसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल लोड लगे हुए हैं, हम उसकी मॉडलिंग करेंगे और लोड लगाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एडिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैट प्रो में न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, स्पेस फ्रेम, टाइटल डे 3, यूनिट मीटर एंड किलो न्यूटन, एड बीम, फिनिश। अब हम अपने प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो देखिए फ्रेम है, इस फ्रेम में सेकंड आपको कॉलम का साइज है 10 मीटर और आपका बीम का साइज है 8 मीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? इसमें एक है आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और बीम 3 एलिमेंट है। तो अगर हम बात करें नोड्स की तो कितने नोड्स होंगे? एक नोड, दो नोड, 3 नोड, 4 नोड। तो 4 नोड हैं, चारों नोड्स के हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी हम एडिटर की हेल्प से नोड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नोड को ओरिजिन पे मान ले तो इसके नोड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। अगर हम इसको सेकंड कोऑर्डिनेट मानते हैं, किसी को भी अपने हिसाब से, अगर हम इसको सेकंड मानते हैं तो इसको नंबरिंग सेकंड देंगे। अभी हम मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3 नोड और ये 4 नोड। तो फर्स्ट नोड के कोऑर्डिनेट 0 0 0, सेकंड नोड के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, एक्स में 0 है, वाई में है इसका 10 मीटर और जेड में है 0, तो 0 10 0। नोड 3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि आपका एक्स में है ये 8 मीटर ये, और वाई में है 10 मीटर और आपका जेड में है 0, तो 8 10 0। अगर हम फोर्थ नोड की बात करें तो इस केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो 8 0 0। तो ड्रॉ करते हैं, हम एडिटर ओपन करते हैं। ये एडिटर ओपन हो चुका है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ जो प्रोग्रामिंग हमें लिखनी होती है इनपुट 79 के बीच में, तो यहाँ एंटर मारता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, एंटर। फर्स्ट जो जॉइंट है हमारा, उसके नोड्स क्या है? 0 0 0। सेकंड जो हमारा नोड है उसका आपका एक्स डायरेक्शन में 0 है, वाई में वो 10 मीटर हाइट पे और जेड में 0। थर्ड नोड जो है हमारा वो एक्स में है 8 मीटर, वाई में है 10 और जेड में 0। फोर्थ नोड जो है हमारा वो 8 है एक्स में, वाई में 0, जेड में 0। सेव करके चेक करते हैं। देखिए 4 नोड बन चुके हैं, ऐसे फ्रंट व्यू पे ले आते हैं 4 नोड। अब हम प्रॉब्लम में चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेंबर है ये किससे कनेक्ट है? नोड 1 और 2 से। और सेकंड मेंबर किससे कनेक्ट है? नोड 2 और 3 से। और थर्ड मेंबर किससे कनेक्ट है हमारा? 3 और 4 से। तो इसी तरह चलते हैं। मेंबर बनाने के लिए हमें लिखना होता है मेंबर इंसिडेंस, और मेंबर 1 जो है किससे कनेक्ट है? नोड 1 और 2 से। मेंबर नंबर 2 किससे कनेक्ट है? नोड 2 और 3 से। और मेंबर नंबर 3 किससे कनेक्ट है? नोड नंबर 3 एंड 4 से। सेव करते हैं और चेक करते हैं। ये बन चुका है फ्रंट व्यू पे।
नेक्स्ट है सपोर्ट, यहाँ फिक्स सपोर्ट दी हुई है प्रॉब्लम में, फिक्स सपोर्ट तो इसको भी लगा लेते हैं एडिटर। अच्छा एक चीज़ और, ये नोट कौन से सपोज पे सपोर्ट जो है कौन से नोट पे, तो शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो नोट नंबर 1 और 4 पे आपकी सपोर्ट है फिक्स। एडिटर में गए हम, यहाँ पे टाइप किया हमने सपोर्ट, एंटर, 1 space 4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप फिक्स। चेक कर लेते हैं, देखिए तो ये नंबरिंग हटा देते हैं सिस्टम से। अब प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारा ये कंक्रीट का है, तो कंक्रीट के लिए कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना होता है आपको डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, डिफाइन मटेरियल स्टार्ट के बाद मटेरियल कंक्रीट है तो आइसोट्रॉपिक कंक्रीट, उसके बाद ई देते हैं हम, 2.1 दिया था मैंने पिछली बार, ई प्लस 007, ई यानी यंग मॉडुलस, पॉइजन रेशो दे लेते हैं 0.17, अल्फा यानी कि थर्मल कोफिशिएंट, उसके बाद हम देते हैं डैम्पिंग रेशियो जो 0.05 होता है कंक्रीट के लिए, फिर टाइप करते थे टाइप कंक्रीट। टाइप कंक्रीट के बाद हमने स्ट्रेंथ देनी होती थी FCU 25,000, उसके बाद होता था हमारा एंड डिफाइन मटेरियल। ये जो अभी तक टाइप किया हमने यहाँ से डिफाइन मटेरियल से एंड डिफाइन, इससे केवल हमने कंक्रीट अप्लाई किया है, उसके बाद हम देते थे क्रॉस सेक्शन। तो देख लेते हैं कॉलम का 1 और 3 मेंबर, नंबर 1 और 3 का 400x400 है और 2 का 300x300 है। तो मटेरियल के लिए हम क्या लिखते थे, मेंबर प्रॉपर्टी, मेंबर प्रॉपर्टी एंटर, 1 space 3, 1 member और 3 member को क्या है हमारा प्रिज्मेटिक, YD है हमारा 0.4 और ZD भी है हमारा 0.4, और मेंबर नंबर 2 PRI is प्रिज्मेटिक, YD है 0.3 और ZD है आपका 0.3। सेव करके चेक कर लेते हैं, एरर देखिए 3 एरर आ रहे हैं 27 लाइन नंबर पे, अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये 1 and 3 प्रिज्मेटिक। दरअसल हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मेंबर इंसिडेंस, यहाँ पे देखिए मेंबर प्रॉपर्टी लिखना था, यहाँ पे मेंबर इंसिडेंस हो गया है, मेंबर प्रॉपर्टी, अब शायद ये सही हो जाएगा। दोबारा एरर आ रहा है, अब एक ही एरर आ रहा है, एंड डिफाइन मटेरियल हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, तो क्या करते हैं इसको कट करते हैं, इसके नीचे पेस्ट करते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई थी तो ऐसे ऑटो ही ले लेता है कुछ लाइनें, उसे ऐसे दिक्कत आ रही है। सेव करके क्लोज, अब देखिए अभी हो चुका है सही। अब 3D में यहाँ से देखते हैं, देखिए कॉलम हमारा अलग साइज दिखाई दे रहा है और बीम का अलग साइज। अब लोड, तो आपके पास 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं 20-20 के इन दोनों जॉइंट्स पर, और यहाँ पे UDL लग रहा है, तो हम डेड लोड में इसको एज्यूम कर लेते हैं। पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले हम लगाएंगे डेड लोड, एक केस बनाएंगे उसके बाद हम लोड लगाएंगे। तो एडिटर में चलते हैं,
लॉट वन, लॉट टाइप, यहाँ स्पेस नहीं होगा, डेड टाइटल, डेड लॉट, मेंबर लॉट, जो आपका थर्ड मेंबर सेकंड मेंबर है उस पर आपका यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए यूएनआई, टू जो है आपका मेंबर का नंबर, यूएनआई यूनिफोर्स जीवाई डायरेक्शन में -7, सेव करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जनरल में जाते हैं, लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस, डेड लोड, ये आपका लग चुका है। अब हमें लगाना है जॉइंट लोड, तो यहाँ पे टाइप किया हमने जॉइंट लोड, एंटर, जॉइंट नंबर 2 पे हमारा कितना फोर्स क्या लग रहा है, कौन किस डायरेक्शन में, एफ एक्स डायरेक्शन में 10, चेक कर लेते हैं इसको हम। ये देखिए डिवाइडर में जाते हैं, जॉइंट नंबर कौन सा है आपका 3, तो 3 पे आपका लग रहा है एफ एक्स डायरेक्शन में ही है -10। ओके देखिए यहाँ पे मेंबर लोड, क्योंकि यूडीएल जो लग रहा है मेंबर के ऊपर लग रहा है, यहाँ पे हमने लिखा जॉइंट लोड क्योंकि ये लोड लग रहे हैं जॉइंट पे, सेव करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे सारे फोर्स लग चुके हैं, शिफ्ट वी से लोड की वैल्यू, तो ये हमारा। तो एडिटर में लोड लगाना, प्रॉपर्टी देना और बहुत सारे काम बहुत बड़ी बिल्डिंग में आप बना सकते हो, बट क्या पॉसिबल है एक 10 या 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना एडिटर में? और मान लीजिए उसके अंदर 100 बीम है, 100 कॉलम है, तो हर एक कॉलम का 2 जॉइंट है, उन सबका हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, फिर लोड लगाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो छोटा मोटा फ्रेम एडिटर में बनाते हैं। एडिटर आपके काम आता है जब पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कोई एरर आ रहा है उसको रिमूव करना है, तब ये बहुत काम आता है, वरना आपके लिए एडिटर सीखना इतना ही काफ़ी, यही काम आएगा बस। वैसे आपको एडिटर पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, जो आप इतने इस 2 ट्यूटोरियल से आ चुका होगा। तो ये था ईटैट स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अगर ये हेल्पफुल है तो।